आमतौर पर पुलिया ब्रिज बनने से इलाके के लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको राहत मिलती है, लेकिन बीकानेर में एक निर्माणाधीन पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। उनके घरों में दरारें आ रही हैं और सीवरेज का पानी रास्ते में फैल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर के पटेल नगर इलाके के लोग खुश थे क्योंकि उम्मीद है कि जल्द ही पुल बनकर तैयार हो जाएगा। टेंडर के बाद काम भी शुरू हो गया था, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है और जिस लापरवाही से काम किया जा रहा है, उससे इलाके के लोग परेशान हैं। आसपास के घरों में दरार आ गई, गंदा पानी रास्ते में फैल रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। हादसे का डर भी बना रहता है। ये हालत है, गंदा पानी एक महीने से आ रहा है और बुरी हालत हो रही है। जो टंकियों घर के अंदर भरी हुई है पानी की, अच्छे पानी की, उसमें घुस रहा है। बुरी हालत से हम रह रहे हैं, पूरे मच्छर खाते हैं और खदान के पास में जो साइड के अंदर पूरे मकान धस गए। हमारी ये मांग है कि इसको पानी को जल्द से जल्द बंद किया जाए। हम इतने परेशान हो रहे हैं, घर के अंदर भी बाहर नहीं निकल सकते। गंदा पानी है ना, तो ये मकान में भर रहा है और चैम्बर का पानी आ रहा है, रोड पे रोड फूटी है ना, सिविल लाइन का पानी पूरा गंदा हो जाता है, नहाने धोने में दिक्कत आ रही है। अब इस मामले को लेकर स्थानीय भाजपा नेता भी सक्रिय हो रहे हैं। पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका ने निर्माणाधीन पुल का जायजा लिया। जिन घरों में दरारें आ रही हैं, उनके मालिकों से मुलाकात की। स्थानीय बाशिंदों का कहना था कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, सड़क के बुरे हाल है। वही महावीर राका का कहना है कि करीब डेढ़ महीने से काम चल रहा है, कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैंने आज उस रोड का जो पुलिया का काम चल रहा था और उससे पहले जो धस गई उसका मैंने मौके पे जाके देखा था, लेकिन प्रशासन को आज एक डेढ़ महीना हो गया और वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं। एक पंप चल रहा है और 20 फुट का खड्डा ऐसे ही खुला पड़ा है, लगभग 100 फुट तक कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेवार प्रशासन है या सरकार है या कौन है, कोई वहाँ सूद लेने वाला नहीं है। बहरहाल निर्माणाधीन ब्रिज इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्थानीय लोगों को डर है कि कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। हालांकि अलग बात है कि तमाम ज्ञापनों के बावजूद यूआईटी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।